beautiful people, how are you all today? And first of all, happy Independence Day to all of you. Today I'm very happy that I could come out with this nice makeup and I've done my hair a little bit to come across you. So anyways, I have another news to share with you. Jet Airways is hiring. So it's a good news for boys jo hamesha complain karte rehte hain ki ma'am aap hamesha ladkiyon ke liye hi video banate ho, ladkon ke liye kuch bhi nahi banate ho. But guys, mere saath complain karne se kuch nahi hoga because main company nahi hu aur mera bus chale to main aap sabko aaj hi hire kar lu apni airline mein. But meri koi airline nahi hai, main sirf ek messenger hu. So don't kill the messenger. So mere paas to jo news aati hai jo main online se search karti hu ya aap logo mein se koi news mujhe भेजता है कि मैम ये एयरलाइन हायर कर रही है और आप ये जो है मैसेज सबको आप दे दीजिए, तो मैं सिर्फ इतना करती हूँ आप सबके लिए. इसके अलावा मेरा कोई इसमें रोल नहीं है. और एक फ़नी कमेंट और आया था, किसी ने मुझे लिखा कि मैम आप तो हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करते हो. तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं एक्चुअली सबको ही सपोर्ट कर रही हूँ. लेकिन जो भी मैसेज आता है वो तो कंपनीज की तरफ से आता है कि कौन किसको लेना चाहता है, लड़कियों को लेना चाहता है या लड़कों को लेना चाहता है, या उनकी मर्जी है. सो एनी वे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स बिगिन विद जेट एवेज के अपकमिंग जो इंटरव्यूज हैं. अगर आपको याद हो कि इससे पहले हमने जेट एवेज के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात कर ली है इससे प्रीवियस वीडियो के ऊपर. सो इफ यू वॉन्ट मी टू मैंशन द रिक्वायरमेंट्स अगेन, आई कैन डू दैट फॉर यू टू मेक इट ईजी. बट एनी वे, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. तो मैं सबसे पहले आपके लिए क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए एक लिंक पोस्ट कर दूंगी जिससे आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि जेट एवेज की ऑफिशियल जो वेबसाइट है करियर्स की वो कौन सी है. सो आई एम गोना डू दैट फॉर यू. सो आफ्टर आई फिनिश दिस वीडियो आई विल पुट दैट इन माय डिस्क्रिप्शन. सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड इट विल टेक यू राइट अवे टू द यू नो करियर्स पेज. सो यू डोंट हैव टू यू नो वेस्ट योर टाइम ऑन दैट. सो अदर देन दैट दे आर सेइंग दे हैव वॉक इन इंटरव्यूज फॉर कैबिन क्रू मेंबर्स, दे हैव फॉर एक्सपीरियंस्ड एंड नॉन एक्सपीरियंस्ड बोथ. सो इनके पेज के ऊपर लिखा हुआ है अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो दे नीड टू फॉलो अ लिटिल बिट डिफरेंट स्टेप्स. बट अगर आप फ्रेशर हो तो मैं फ्रेशर्स की ही बात करूंगी क्योंकि फ्रेशर्स जो मेरे दोस्त हैं आप लोगों को ज्यादा जरूरत है. सो आई एम गोना टॉक अबाउट ओनली फ्रेशर्स. सो फ्रेशर्स का है कि उन लोगों को वॉक इन इंटरव्यू पे जाने से पहले भी ऑनलाइन उनको अपना अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ अ मस्ट. तो उनका जो सिटी है, अभी आज है 15th ऑफ अगस्त, एक इंटरव्यू उनकी चंडीगढ़ में है 16th ऑफ अगस्त को. टाइम है 9 o'clock से 1 o'clock, गोल्डन प्लाजा होटल, पारस डाउनटाउन स्क्वायर, जीरकपुर, चंडीगढ़. सो ये चंडीगढ़ कल होने वाली है इंटरव्यूज़. उसके बाद होने वाली है गुवाहाटी में होने वाली है 17th ऑफ अगस्त को 1100 to 1400. 1100 मीन्स सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, बट प्लीज़ बी देयर बिफोर टाइम, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर. तो एड्रेस जो है उनके होटल के, आई एम नॉट गोना रीड दैट थ्रू बिकॉज यू कैन गो टू द यू नो दिस पेज एंड यू कैन रीड इट योरसेल्फ. उसके अलावा आती है सिटी मुंबई, इंटरव्यू डेट है 19 अगस्त. 19 अगस्त को आप सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आपका इंटरव्यू है, तो एक घंटा पहले पहुंचे प्लीज़ इस टाइम से. और उनका जो एड्रेस है होटल का उस पर मैंशनड है. उसके अलावा दिल्ली में जो इंटरव्यू होने वाली है कैबिन क्रू की, वो 21 अगस्त को होने वाली है 10 बजे से 2 बजे तक. सिलगुड़ी में होने वाली है 29 अगस्त को. और उनके लिखा हुआ है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड आर कंट्रोल वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट द इंटरव्यूअर सिलगुड़ी करंटली स्टैंड कैंसल्ड. सो अच्छा किया मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया क्योंकि सिलगुड़ी वाली जो 29 अगस्त की इंटरव्यू है वो उन्होंने फॉर सम रीजन कैंसिल कर दी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है. सो सिलगुड़ी नहीं है गाइस, सो ओनली दिल्ली तक है. 21 अगस्त को दिल्ली में है, मुंबई में 19 अगस्त को है, गुवाहाटी में 17th अगस्त है और चंडीगढ़ टुमारो 16th ऑफ अगस्त है. सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट आई विल से. और जो लोग अभी मेरे भाई बहन अभी प्रिपेयर करना चालू नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं, आई वुड से ऑलवेज कीप योर थिंग्स रेडी. जो इंटरव्यू डे पे आपको चाहिए वो सब कुछ रेडी रखो ताकि कभी भी आपको अगर एक दिन पहले भी इंटरव्यू का पता चलता है आप फटाफट से ऑनलाइन अप्लाई करके आप जा सकते हैं इसके लिए. सो प्लीज़ डू दिस बिकॉज यू नीड टू डू दैट इफ यू नीड टू गेट अ जॉब. सो यू नीड टू बी यू नो ऑलवेज ऑन योर टोज एंड ऑलवेज बी वेल प्रिपेयर फॉर दैट. तो एनी वे, मैं दोबारा से इनका जो क्राइटेरिया है एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू गो बैक टू यू नो अनदर वीडियो एंड लुक फॉर इट. सो आई एम गोना कवर दैट अगेन फॉर यू. और फ्रेशर्स के लिए है एज बिटवीन 18 to 27, मिनिमम हाइट है मेन 170 cm, विमेन 157 cm. वेट इन प्रिपरेशन इन प्रोपोर्शन ऑफ योर हाइट, तो जितना आपका बॉडी का BMI आता है आपका हाइट वेट उसके अकॉर्डिंग आइडल होना चाहिए. नॉट टू फैट, नॉट टू थिन, अगेन आई शुड नॉट मैंशन दिस बट यू शुड नो इट बाई नाउ. मैरिटल स्टेटस इट सेज अनमैरिड, बट आई वुड से इफ यू आर मैरिड ऑल्सो स्टिल गिव इट अ ट्राई, मे बी दे हैव सम मर्सी एंड दे लाइक यू एज अ कैंडिडेट एंड दे टेक यू. लैंग्वेज स्किल्स, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, प्रोफिशियंसी इन फॉरन लैंग्वेज विल बी एडेड एडवांटेज. हिंदी और इंग्लिश मस्ट है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है इट्स एन एडवांटेज.
interactive skills, excellent communication and good interpersonal skills. So I would say on Google, type this line and read about it so you get to know what actually is communication skills, what actually is interpersonal skills. Mandatory documentation, must possess a PAN card and Aadhaar card. So apne saath PAN card aur Aadhaar card lekar jao. Agar aapke paas nahi hai, if you are missing this opportunity, make this one before you go for next interview. Passport, must possess a valid Indian passport. Should have applied for. Agar aapke paas passport hai, to it's good. Agar nahi hai, to they say at least apply for it and you can bring that paper, you know, as a proof that you have applied for passport, Indian passport. Training fees. Abhi main iske upar thoda sa aapko clarify kar deti hoon, kyunki bahut sare log do tarah ki training mein confuse ho rahe hain. एक ट्रेनिंग होती है जो एयरलाइंस प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैं जिस एयरलाइन में काम करती हूँ, जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं तो वो उनके ऊपर उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है. दैट इज़ अ ट्रेनिंग फ्रॉम द कंपनी साइड. तो मैं जब भी कहती हूँ कंपनी की ट्रेनिंग, तो वो हमारी जो कंपनी में जो आप सिलेक्ट हो रहे हो वो उसकी ट्रेनिंग की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही हूँ. तो इस चीज़ को प्लीज़ मिक्स मत कीजिए. तो जेट एवेज में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उन्होंने कहा है सिलेक्ट होने के बाद जो उनकी ट्रेनिंग वो आपको देते हैं एयरक्राफ्ट्स के बारे में, जो कि मैंडेटरी ट्रेनिंग है, उसके बगैर आपको जेट एवेज में चांस नहीं मिलेगा जो कंपनी की तरफ से है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. उसके लिए आपको 50,000 रुपये उनको जमा करवाने पड़ते हैं उस ट्रेनिंग के लिए. एंड मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि ये आपको चार्जेस क्यों पे करने पड़ते हैं, सो लुक फॉर दैट वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन. बट 50,000 रुपये अगर आपके पास नहीं भी होंगे, गाइज, यू कैन बोरो दैट एंड विद योर सैलरी यू कैन पे दैट बैक इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, सो डू दैट. सो ये थी जेट एवेज के बारे में जो फ्रेशर्स के लिए. उसके अलावा एक्सपीरियंस क्रू के लिए भी है. आई एम नॉट गोना कवर दैट बिकॉज आई एम श्योर मेरे एक्सपीरियंस जो क्रू मेंबर्स, आई एम श्योर दे ऑलरेडी नो हाउ टू गेट थ्रू यू नो वेब मेल एंड हाउ टू गो थ्रू द वेबसाइट्स एंड ऑल दैट. सो आई हैव अ फुल ट्रस्ट ऑन दैम, दे कैन डू दैट देमसेल्व्स. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड इफ यू वॉन्ट एनी सपोर्ट और एनी हेल्प अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड स्टफ, बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने पोस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर, सो लुक फॉर देम प्रॉपरली. कुछ एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है आपके लिए, कैबिन क्रू प्रिपरेशन के लिए जनरल क्वेश्चंस है, बहुत कुछ है. उनको सबको देख के अगर कुछ भी मैंने मिस किया है जो मेरे दिमाग में नहीं है, राइट दैट डाउन अंडर माई कमेंट्स सो आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू अबाउट दैट. या सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच. मैं स्पेशली यहाँ पे आई आउटडोर टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक फ्रेश एंड यू नो लाइक अंदर बैठ के आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज मेरा घर अभी बहुत पूरी तरह से यू नो अपसाइड डाउन है. कल मैंने बाथरूम में खड़े होकर वीडियो बनाई है, द टावल वॉज हैंगिंग बिहाइंड बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो आई हैव टू यूज माई रिसोर्सेज. सो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड विद मी, एंड आर चैनल इज डूइंग वेरी वेल. दैट्स नॉट ओनली माई सक्सेस, दैट्स आवर सक्सेस गाइज. वी नीड टू हैव अ न्यू जनरेशन, न्यू पीपल विद द न्यू सेट माइंड. या दैट्स ऑल वी गॉट टू डू. सो टेक केयर फॉर नाउ, सायोनारा, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. बाय.